आप देख रहे हैं मिडकैप बाजार, लोकेश ऊपर विवेक कर्वा हमारे साथ मौजूद है जो आपकी सभी क्वेरीज को आंसर कर रहे हैं, और अगले कॉलर भी हैं फोन लाइन पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। फैजान है सूरत से। फैजान गुड आफ्टरनून, अपना सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून मैम, अब मैंने एजुकॉम लिया, एजुकॉम सॉल्यूशन 11 रुपए के भाव में लिए 1000 शेयर, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कर सकते इसके बारे में। ठीक है, क्या करें इसमें विवेक? एडुकॉम्प 11 रुपए की बाइंग है इनकी और 11:30 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एडुकॉम्प बराबर है जी। देखिए ये एक सुजलॉन के जैसी ही एक स्टोरी है, जहाँ पे मतलब स्टार्टिंग में बहुत अच्छा किया था इस कंपनी ने, और उसके बाद में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज इतने आए थे इस कंपनी में कि ये सिंगल डिजिट में जाके अब यहाँ पे करीबन 11:30 पे स्ट्रगल कर रहा है, तो कुछ होते हुए नहीं लग रहा है मुझे इस कंपनी में अभी भी, और अब बहुत बहुत ही छोटी कंपनी हो गई, और आज के दिन इसके जो भी सॉल्यूशंस है इतना कोई मार्केट में इतने एक्सेप्टेड नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसमें बन के रहना कोई मतलब नहीं उठता है, और अपने आप को एजुकेट कीजिए और इस स्टॉक से तो आप निकल जाइए इमिडिएटली। तो यहाँ से एग्जिट करने की सलाह है, कोई भी तेजी आती है तो यहाँ से एग्जिट कर लें। आज स्टॉक ऑलमोस्ट 4.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। फिलहाल फोन लाइन पर सवाल पूछने के लिए हैं गौरव अहमदाबाद से। गौरव नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। हाँ जी, हेलो जी गौरव, अपना सवाल पूछिए। हाँ मेरा मैडम ये है कि L&T का 3 साल हो गए है मेरे पास, ठीक है, और 30 शेयर है 1466 के रेट से। ठीक है, 3 साल से होल्ड कर रहे हैं आप? ठीक है, 3 साल से है। ऑलराइट लोकेश, L&T 1466 की खरीद है, 1487 आज का ट्रेडिंग प्राइस है, मुनाफा हो रहा है, अभी ये थोड़ा समय और देना चाहिए, ऑलरेडी 3 साल दे चुके हैं। देखिए पल्लव जी, अगर L&T के चार्ट को स्टडी करते हैं, L&T हैज टेकन अ ब्रिलियंट सपोर्ट क्लोज टू लेवल्स ऑफ 1350-1360, और वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक इसमें देखा जा रहा है। अभी स्टॉक में देखा जाए तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है, जहाँ पे अपर रेंज जो है वो कैप्ड है क्लोज टू लेवल्स ऑफ 1510 रुपये, एंड द सपोर्ट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 1440। मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी सर, आपने काफ़ी टाइम से होल्ड किया हुआ है, इट्स टाइम कि आप अपनी पोजिशन को भी बनाए रखें। जैसे ही स्टॉक 1510-1520 के लेवल्स को क्रॉस करेगा विद वॉल्यूम्स, आपको 1600+ के लेवल्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, तब आप चाहे तो अपने थोड़े प्रॉफिट्स को बुक करके टेक होम कर लीजिए। लेकिन मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप एक पेशेंट इन्वेस्टर रहे हैं, आप थोड़ी और पेशेंस बनाए रखिए, इस स्टॉक में आपको अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल जाएगा आने वाले टाइम में। अमितेश अगले कोरा हमारे साथ फोन लाइन पर हरिद्वार से। अमितेश बताइए क्या सवाल है आपका। एक्चुअली मैडम मैंने 3000 शेयर हानुम चॉइस के 4.40 रुपए के लिए थे, और 100 शेयर टाटा मोटर के 5.14 रुपए थे। ठीक है, टाटा मोटर्स में आपका परचेसिंग प्राइस क्या है? 514 है आपका। ठीक है, आपको कम में दिलवा देते हैं। क्या सलाह होगी आपकी विवेक? टाटा मोटर्स पर 514 की इनकी बाइंग है, 504 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और दूसरा स्टॉक इन्होंने बताया हनुक टॉयज, हालांकि ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक की कैटेगरी में आता है और एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर डेफिनेटली रहा है, लेकिन शायद लो वैल्यू देख के इन्होंने ये खरीद लिया है। क्या सलाह देंगे आप इन दोनों स्टॉक्स पर? मतलब टॉय की कंपनी है तो पैसों के साथ खिलवाड़ कर लिया निवेशक ने, ये बोलूँगा मैं। स्टॉक काफ़ी ख़राब है जैसे आपने कहा है, और इसमें वही फिर से नुकसान ही नुकसान है, और जस्ट बिकॉज अगर 4 या 5 रुपए का कोई शेयर होता है तो चीप इस वैल्यूएशन चीप नहीं होता है उसमें, मतलब चीप कैन बिकम चीपर और कॉस्टली कैन बिकम कॉस्टलियर, तो ये स्टॉक में बन के रहना कोई मतलब नहीं उठता, आप हनुम टॉय से इमीडिएटली निकल जाइए, और ऑपरेटर ड्रिवन तो है ही है ये। दूसरा है टाटा मोटर्स। देखो टाटा मोटर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले है आज के दिन, यहाँ से काफ़ी लो जाके वहाँ से बाउंस बैक हुआ, अब स्टेबलाइज होकर रखा है करीबन 510 रुपये में। मुझे लगता है कि ये अगले एक साल में अच्छा वेल्थ क्रिएटर रह सकता है टाटा मोटर्स, और 600+ का इसका टारगेट आप बना के इसमें बने रहिए, पर्टिकुलरली बिकॉज JLR अच्छा कर रहा है, और इंडिया में भी जो भी ये जो रिप्लेसमेंट पॉलिसी आने वाली है उसका फायदा भी टाटा मोटर्स को होगा, और प्रॉफिटेबिलिटी वाइज भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो जो जो अशोक लेलैंड में हुआ था करीबन 6 महीने पहले वैसा ही मैनेजमेंट, मतलब जो स्टाइल ऑफ परफॉर्मेंस होता है वहाँ पे भी चेंजेस आ रहे हैं टाटा मोटर्स में, तो आप बने रहिए, काफ़ी बुलिश हूं मैं इस पे, और 600 हो सकता है इसमें टारगेट अचीव हो जाएगा। ऑलराइट, तो बेहतर वेल्थ क्रिएटर हो सकता है टाटा मोटर्स, 600 रुपए तक के टारगेट से यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा समय दे होल्ड करने की सलाह। अभिषेक है गांधीनगर से सवाल पूछने के लिए। अभिषेक नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो जी अभिषेक, अपना सवाल बताएं। हेलो जी अभिषेक, अपना क्वेश्चन पूछिए एक्सपर्ट से। मैम मेरे पास सिंटेक्स है 76 पर,
100 लिए हुए मैंने, दो महीने से होल्ड किया हुआ 76 पर। और इनफैक्ट आप कितना समय दे सकते हैं इसे और? 2 months तक दे सकता हूँ। ठीक है लोकेश, 76 की इनकी बाइंग है, 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने और इसे देख सकते हैं। आज काफ़ी कमजोरी सिंटेक्स में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कुछ खबरें भी थी कि शायद प्रमोटर्स ने कुछ स्टेक सेल की है, 0.15% इक्विटी बेची है। हालांकि अभी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स नहीं आए हैं, कमजोरी दिख रही है स्टॉक में। क्या करना चाहिए अभी अगले 2 महीने के लिए, कोई टारगेट या स्टॉप लॉस? देखिए पल्लव जी, अगर हम सिंटेक्स के चार्ट को स्टडी करते हैं, वी सिंपली सी द स्टॉक हैज फॉर्म्ड अ ब्रिलियंट बॉटम क्लोज टू 1175। इसके अंदर 86 की रेजिस्टेंस थी जिसने काफ़ी टाइम तक वहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेट करने का ब्रेक किया है, और आज स्टॉक 86 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। आपने 76 के आसपास तो इसको बॉय किया सर। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को स्टडी करते हैं, फिलहाल आज की मूवमेंट को हम इग्नोर करें और लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें, तो स्टॉक में 105 से एक लेके 102 के लेवल ऊपर की तरफ नजर आते हैं। आप फिलहाल अपनी पोजीशन में बने रहिए और 86 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए, क्योंकि 86 का स्टॉप लॉस जो पहले रेजिस्टेंस था, आज वो स्टॉक की सपोर्ट बन चुका है और इसमें बुल रन कंटिन्यू करेगा इन द सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी। अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, अक्षय अग्रवाल जोधपुर से। अक्षय नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ मैम, मेरे पास आप शॉपटी फाइबर के 2000 शेयर्स पर है, 25.55 पे लिए हुए। ये आपने अभी हाल ही में खरीदे हैं क्या शेयर्स? ये अराउंड 1 month बिफोर, 1 month है आपने हायर लेवल्स पे खरीदे हैं ये। ठीक है, अब आपको राय दिलवा देते हैं। विवेक, क्या करना चाहिए अक्षय ऑप्टिक फाइबर में? अगर एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो चला आइए शेयर, 12-13 रुपए का था ये पिछले साल जनवरी में और अभी करीब 24 रुपए पर ही आ चुका है। लेकिन इन्होंने बिल्कुल जब ये पीक पे था, जब ये टेलीकॉम स्टॉक्स में मर्जर और एक्विजिशन के बीच में ये बाकी जो लिंक स्टोरीज हैं वो भी परफॉर्म कर रही थी, तब ये चला था। अभी क्या करें, ये नुकसान हो रहा है इनको थोड़ा सा। देखिए जैसे ये काफ़ी ऑलरेडी चल चुका है और उसके बाद में जो मैं इसके नंबर्स देख रहा हूँ, काफ़ी जो जूस बचा हुआ था वो पूरा निकल चुका है ऑलरेडी। यहाँ से और आउट परफॉर्म करेगा क्या, डाउटफुल लग रहा है मुझे। और पर्टिकुलरली लास्ट टाइम इसका नेट प्रॉफिट भी कम आया था और इसकी सेल्स भी डिप हुई है, तो ऐसे ये सब अगर मद्देनजर रख के आप स्ट्रिक्टली देखो तो काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है स्टॉक, और आज के दिन करीबन 15 PE पे चल रहा है, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा और नीचे जाए, तो आप इसमें से निकल जाइए एटलीस्ट टेम्पररीली। और अगर आपको 20 के नीचे मिलता है तो उस वक्त आप वापस कॉल कीजिए, तब देख सकते हैं। तो आज के हिसाब से ये काफ़ी जूस निकल चुका है और ज़्यादा कोई अप ट्रेंड यहाँ से बचा हुआ नहीं है इसमें।